नमस्कार, JK 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। इसी कड़ी में लेह में ब्रोकपा, चांगपा, बाल्टी और स्वयं सहायता समूह सहित लद्दाख के आदिवासी समूहों के साथ भी खास बातचीत की है। तो वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री 10 दिवसीय विदेश दौरे पर थे, जिस बीच उनके द्वारा जर्मनी और मैक्सिको का दौरा किया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह दौरा उत्तराखंड में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। विदेश में मंत्री द्वारा कृषि संबंधित तकनीकों के बारे में जानकारी ली गई है, जिसे उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने विदेश में बड़े कृषि उद्यमियों को निवेशक सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया है। मुझे भारत का दूत करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानपुर में, उसके बाद में जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहां पर सीख कर आया हूँ, तो अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे। और जो धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा, देश के अग्रणी राज्यों में एक होगा, उस दिशा में हम काम कर रहे। इसी प्रकार जो मंडियां हैं, जो आज मंडियों की व्यवस्था हमने वहां पर देखी, मैं 3 बड़ी बड़ी मंडियों को देखने वहां पर गया, मेक्सिको में, कानपुर में और फ्रैंकफर्ट में। मेक्सिको की जो मंडी है वहां पर 5, वहां पर मेक्सिको की मंडी में 5 लाख लोग रोज वहां पर आते हैं, 60,000 ट्रक वहां पर आते हैं। और उसके बावजूद अगर आप 12 बजे के बाद आप वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर कोई कूड़ा नहीं दिखाई देगा, सारी चीजें बिल्कुल कायदे से होंगी। 60,000 ट्रक वहां पर आते हैं, वो भी एक कायदे से वहां पर खड़े होते हैं। उनसे बहुत कुछ चीजें मुझे सीखने को मिली और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने अधिकारियों से बातचीत कर हम उसको यहाँ पर लागू करेंगे। और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में सीगरी में अपनी जो टीम हमारी धरातल पर काम करती है, उनको हम थाईलैंड और न्यूजीलैंड भेजेंगे और उनका अनुसरण करते हुए हम यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और आज मैं अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुंचा हूँ, रात 3:30 पर मैं देहरादून दिल्ली पहुंचा था, फिर वहां से बाई रोड में यहाँ पर आया। और इन कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूँ, मंत्री हूँ, आज मेरा स्वागत करने यहाँ पर आए। मैं इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं का और अपने वरिष्ठ नेताओं का, ज्योति जी यहाँ पर हैं, अजीत ज्योति जी यहाँ पर हैं, मेयर साहब यहाँ पर हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और लोग हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना स्नेह मुझे दिया और मेरा स्वागत किया। सर आप विदेश। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रप्राणी महाराज ने कड़ी निंदा व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं ने देश में सनातन और हिंदू धर्म को बर्बाद कर रखा है। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत की है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और सनातन धर्म में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके और कई बातें उन्होंने विवादित शब्द भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर कहे। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ। स्वामी जी, एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या जिस तरह के उन्होंने तर्क दिए हैं, आपने सुने होंगे कि कभी किसी के बच्चे को मुंह से पैदा होते देखा है, किसी बच्चे को हाथ से पैदा होते देखा है, किसी बच्चे को जांग से पैदा होते, इस तरह के उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो तार्किक बात करने का दावा करते हैं कि मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म में इस पद्धति का भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही नहीं रुके, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। कभी किसी के मुँह से गटर की पानी निकलते देखा है? नहीं देखा है, मैं बता रहा हूँ। वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश में, जो बार बार विष वमन कर रहे हैं, विष निकाल रहे हैं, गटर की तरह जो है बोल रहे हैं। सवाल इस बात का है, देखो कि यह पागलपन का निशानी है उनकी, और वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग ठीक नहीं है। और मुझे इससे भी बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, एक संत मुख्यमंत्री हैं वहाँ, और वो मौन है। कहाँ तक इनके खिलाफ़ कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, तो चुप है। इस पर आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और सरकार जो यूपी की है और मौर्य मिल करके आपस में सनातन धर्म को लेके 2020 खेल रहे हैं? ये गलत बात है। हमें लगता है इनको जेल भेजना चाहिए या इनको पागलखाना भेजना चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। स्वामी जी, 2024 का चुनाव आ रहा है और हम देख रहे हैं कि यही नहीं, स्टालिन भी लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं और इस तरह का सनातन को लेकर कई लोग बयान दे रहे हैं। देखिए, स्टालिन हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये कायर लोग हैं। ये इनके, ये जनता में के सेवा करके नहीं जीतने वाले, सिर्फ सनातन को गाली दे रहे हैं, लेकिन और भी पतन में। अभी देखिए, स्टालिन जूनियर अभी कोर्ट में उन्होंने क्या कहा, उनका वकील ने कि जी जो जिसने आरोप लगाया कि हमने सनातन का अपमान किया है वो सबूत पेश कर गए। तो याति जो सनातन के खिलाफ उन्होंने कोरोना और मलेरिया बोला था उस पर वो पलटी मार रहे हैं। तो भाई, तुमसे बड़ा कायर कौन हो? या तो माफ़ी मांग लो पूरे हिंदू सनातन धर्मियों से, या तो जो, तो ये जब मामला कोर्ट में जाता है, जब सजा का वो हो जाता है, तो ये तुरंत भेष बदल लेते हैं। तो ये कायर डरपोक लोग हैं। रावण भी इतना कायर डरपोक नहीं था, कंस भी इतना डरपोक कायर नहीं था जितना ये स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन और बिहार के मंत्री चंद्रशेखर जी और जगदानंद जी हैं। ये तुरंत पलटी मार जाते हैं। अब जनता को जरूरी है कि जनता इनको सबक सिखाए, जनता इनको जमीन में गाड़े। अच्छा, एक अहम सवाल है और आखिरी सवाल है मेरा, 2024 का चुनाव आ रहा है स्वामी जी, तो आपको लग रहा है कि सनातन हिंदू धर्म को टारगेट करके वोट को पोलराइज करने का काम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जितना ये कर रहे हैं, जीत तो सनातन धर्म की होगी, और आप देखना कि अप्रत्याशित रूप से जीत सनातन धर्म की होगी। चाहे सनातन, आप बीजेपी को मानते हैं? नहीं, सनातन भी, जो सनातन का समर्थन करेगा, जो सनातन को वो करेगा, जो सनातन को गाली देगा उसकी हार होगी। अब वो कौन गाली दे रहा है देख लीजिए, जो सनातन के रक्षा में खड़ा होगा उसकी जीत होगी, वो कोई भी हो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। इधर चामराजनगर शहर में आयोजित इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस भवन में विधायक सी पुटन शेट्टी ने जनता को उनके योगदान को अवगत करवाए हैं। इस दौरान विधायक ने बताया कि देश में कृषि क्षेत्र के लिए अहम फैसला लेने वाले इंदिरा जी ने बैंकों को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया है। साथ ही कहा कि देश में विकास की क्रांति की नींव डालने वाली इंदिरा परिवार ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की है। अधिनायक श्रीमती इंदिरा गांधी पुण्य स्मरण चामराजनगर जिला कांग्रेस आश्रय ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ
चार दल अक्कपक्कद देशदवरु देश मेले दाड़ी माडिदाग देश रक्षणेगे मुक्किन महिळेयागि गट्टियागि निंतवरु श्रीमती इंदिरा गांधी अवरु अनेक जनपर कार्यक्रम इपत् अंश कार्यक्रम इवत जनपरवा ना कहते कृषि संबंध विचार आर्थिक विचार बहुत युद्ध देश इंदिरा गांधी ना बसकोले बैंक राष्ट्रीयकरण इन बस राष्ट्रीयकरण इन अनेक विचार कुंभ नगरी प्रयागराज में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस पुल का सोमवार को उद्घाटन किया था, उस पुल का मात्र 10 घंटे में 63 करोड़ की लागत से यह पुल क्रेक हो गया है। हालांकि आनन फानन में पुल पर आवागमन बाधित कर मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। भ्रष्टाचार की भेंट या टोंस नदी पे बना पुल 63 करोड़ की लागत से यह पुल बना था। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में एक अनुसूचित सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में करीबन 3,357 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उसी क्रम में ये जो पुल था इसका भी लोकार्पण किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्घाटन करते ही 10 घंटे के अंदर ये पुल में दरार आ गई और वहां पे इस पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और इस पुल के जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली तो आनन फानन में वहां मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं उसमें 10 घंटे के अंदर ही दरार आ जा रही है, तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। अमित श्रीवास्तव, JK24x7 न्यूज के लिए प्रयागराज। उत्तर में सीएम सिद्धरमैया और डीसीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बैठक हुई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस की योजनाओं के जरिए गरीबों को पेट भर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी ने जनता के भावनाओं से छेड़छाड़ करने के साथ विचलित करने वाली बात कही है। देश के लिए अपनी ही जान की कुर्बानी देने वाले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश का विकास किया है, लेकिन बीजेपी सिर्फ दंगे फसाद के जरिए देश का बंटवारा जात पात पर करती रही है। साथ ही कहा, भाजपा को कांग्रेस की तरक्की को देखकर जलन होती रही है, लेकिन जनता ने दिल से कांग्रेस को स्वीकार किया है और उन्हें हमसे उम्मीदें और भी बढ़ने लगी हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कैमूर भगवानपुर की पंचायत के उमापुर गांव में मां भगवती काली मंदिर की सजावट भव्य तरीके से शहरों के तर्ज पर कोलकाता के मशहूर बाली के द्वारा कराया गया है। इस दौरान नागेश दुबे ने बताया कि छोटे भाई सोनू दुबे ने नवरात्रि में 9 दिन व्रत केवल निर्जल रहकर मां की सेवा की है। लगातार इस तरह का गांव में पूजन देखने को मिल रहा है जो कि अद्भुत है। उमापुर मंदिर की सजावट देखने के लिए प्रखंड के हर जगह से लोग आकर मां की सजावट को देखकर सराहना कर रहे हैं। बता दें, मां भगवती का मंदिर मनमोहक बना हुआ है और यह मंदिर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24x7 न्यूज के साथ, मैं हूं सिंहासन सिंह यादव। मैं इस वक्त कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पहाड़िया पंचायत के में खड़े हैं। एक बिहार सरकार के द्वारा यह धर्मशाला बनाया गया है, बड़ी वर्षों से बनाया गया है, लेकिन यह धर्मशाला सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। जहां आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां की ये घास फूस से पूरे भरा हुआ है। आप यहां एक युवक हैं, हम इनसे जानेंगे कि यह धर्मशाला कब से बना हुआ है और क्यों चालू है कि नहीं है। धर्मशाला जो है बने हुए लगभग 3-4 वर्ष से अधिक हो रहा होगा और सरकार द्वारा जो है लाखों रुपया खर्च करके बनाया गया है, लेकिन अभी तक इसमें घास फूस है और कभी कभी जो है इसकी पेंट पुताई होती है, लेकिन चालू नहीं किया गया है। अगर सरकार द्वारा इसको चालू कर दिया जाता है तो एक तरह से यात्रियों को सुविधा भी हो जाएगी और दूसरी सरकार को जो है इनकम का स्रोत भी बढ़ जाएगा। तो मेरा सरकार से निवेदन होगा कि इस धर्मशाला को जल्द से जल्द जो है चालू कर दिया जाए, क्योंकि मां मणिथोरी में आने वाले यात्रियों को सुविधा हो। आप देख रहे हैं, कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ मैं हूं सिंहासन सिंह यादव। लद्दाख में ईसी ताशी ने क्लस्टर मिडिल स्कूल पद्मू का दौरा किया है। इस दौरान स्कूल के अभिभावकों, शिक्षकों
और SFDC के साथ बैठक में भाग भी लिया। वही बैठक और दौरे का उद्देश्य स्कूल काउंसिल मॉडल स्कूल को LHDC कारगिल द्वारा शुरू किए गए नए पैटर्न में बनाने की पहल करना था। साथ ही सभी अभिभावकों और SMDC सदस्यों ने चुनाव आयोग से भवन निर्माण और अन्य उपकरण और फर्नीचर की सुविधा देकर स्कूल को काउंसिल मॉडल स्कूल में बदलने का अनुरोध भी किया है। इधर मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा में स्क्रूटनी के दौरान काफी गहमी का माहौल नजर आया है। बता दें, जनता कांग्रेस से दो दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें काफी लंबे समय से जनता कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी और कांग्रेस से अलग हुए सागर सिंह बैस थे। किंतु स्क्रूटनी के दौरान मनीष त्रिपाठी का नामांकन रद्द करते हुए सागर सिंह बैस के आवेदन को स्टैंड रखा गया, जिसको लेकर मनीष त्रिपाठी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस पूरे मामले पर लोरमी विधानसभा की RO SDM पार्वती पटेल ने बताया कि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। लोरमी विधानसभा हेतु हमको JCCJ के तीन अभ्यर्थियों को प्रारूप AB मूल प्रति में नियत समय में नियत तिथि तक प्रस्तुत किया गया था। जो अभ्यर्थी है मनीष त्रिपाठी, उनके द्वारा पहले दिवस में निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का फॉर्म AB उसके साथ संलग्न नहीं किया गया था। 10 प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा मैंने नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। मेरे नोटिस के जवाब को किनारे में रखने के बाद थोड़ी देर में बोले कि आपका फॉर्म निरस्त किया, जबकि नोटिस पे उनको आर्ग्यूमेंट करना था, देखना था, उसको पढ़ना था, हमने क्या जवाब दिया उसके बाद ही निर्णय लेना था। लेकिन वो बोल दी कि मैं इसको SP के पास भेजूंगी। चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रही है। वही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने कॉलेज के पुरुष और महिला दोनों छात्रों के लिए अपने बहुप्रतीक्षित वार्षिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया, जो 27 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। इस रोमांचक कार्यक्रम ने छात्रों की अविश्वसनीय खेल प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रदर्शित किया है, जिससे लैंगिक समानता और खेल कौशल को भी बढ़ावा मिला है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत।